बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रानी सागर सारंगा, स्पिरिट ऑफ केयर। नमस्कार, एशियन 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सारंगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें एक बार फिर कोविड-19 कोरोना का कहर सारंगढ़ में फूटा है। आपको बता दें आज सारंगढ़ से 56 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। सारंगढ़ से कोरोना के 56 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 41 एंटीजन टेस्ट से और 15 आरटीपीसीआर टेस्ट से पुष्टि की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सारंगढ़ से 56 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। आपको बता दें सारंगढ़ शहर से कमला नगर, फुलझरिया पारा, अक्षत होंडा गली, सदर बाजार गली, भीड़ पारा से नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में दनसरा, चंदई, खैराहा, दुर्गापाली, पचपेड़ी से नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सारंगढ़ से कोरोना के नए 56 मरीजों की पुष्टि। तो चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए सारंगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल भारती। राहुल, सारंगढ़ में एक बार फिर कोरोना का कहर, क्या खबर निकल कर सामने आ रही है? देखिए मतलब मैं आपको बता दूं, जिले की जो स्थिति कोरोना को लेकर वो काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिले से 100 से 200 की संख्या में संक्रमितों की यहाँ पर पुष्टि की जा रही है। साथ ही जो सारंगढ़ ब्लॉक की बात करें तो सारंगढ़ ब्लॉक में भी रोजाना 20 से 30 40 से 50 लोगों की यहाँ पर कोरोना पुष्टि की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में आज रायगढ़ से आरटीपीसीआर जो कोरोना टेस्ट होता है उससे 15 लोगों की कोरोना पुष्टि की गई है। वहीं से सारंगढ़ से जो एंटीजन के जो टेस्ट होता है उसमें यहाँ पर 41 लोगों की कोरोना पुष्टि की गई। जी मुकेश जी, राहुल क्या माना जाए स्वास्थ्य विभाग के लिए अब यह बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि सारंगढ़ से लगातार कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, ज्यादातर शहरी इलाकों से निकलकर वार्डों से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए मुकेश, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि वो जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो संक्रमितों की संख्या वो दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। एक बात और सामने आ रही है, यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित होते हैं उन्हें अस्पताल कोविड अस्पताल ले जाने में काफी देर किया जा रहा है, जिसके कारण वो ये भी माना जा रहा है कि जो कोविड संक्रमितों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। जी मुकेश, राहुल इसे क्या माना जाए, लोगों की जागरूकता की कमी या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही? क्योंकि होम आइसोलेशन आदेश के बाद कहीं ना कहीं सारंगढ़ में होम आइसोलेशन की जो नियम बनाए गए हैं उनका फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए मुकेश, इसको दोनों कड़ी की जोड़कर देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग अभी भी कोरोना को इतनी लापरवाही पूर्वक ले रहे हैं, कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है इसको। बिना मास्क के लोग आपको सड़कों के बाजार से घूमते नजर आ जाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंस का तो ध्वजा उड़ रहा है सारंगढ़ में। आप बैंक की बात ले लो या फिर पान ठेले की बात ले लो या फिर जो ठेले घूमते हैं वहाँ पर आप देखोगे बिना मास्क के लापरवाह लोग एकदम एक दूसरे से सटे नजर आएंगे, आपको सोशल डिस्टेंस का ध्वजा उड़ाते नजर आएंगे। साथ ही जो मास्क उसका भी मास्क भी नहीं पहन रहे। जी मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राहुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर सारंगढ़ से 56 नए मरीजों की पुष्टि, कोविड-19 कोरोना के 56 नए मरीजों की पुष्टि हुई है सारंगढ़ से, जिसमें 41 एंटीजन टेस्ट और 16 आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत पुष्टि की गई है। आपको बता दें सारंगढ़ शहर में लगातार बढ़ता कोरोना का आंकड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है, लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। एशियन आपसे अनुरोध करता है कि कहीं भी जाने से पूर्व मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा के जो भी तमाम नियम शासन ने जारी किए हैं उनका फॉलो जरूर करें। देखते रहें एशियन 24। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रानी सागर सारंगा, स्पिरिट ऑफ केयर।